नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। दोस्तों, अभी हम हैं यूएस इंटरनेशनल के खास कार्यक्रम में और हमारे साथ हैं अमेठी यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर विनोद तेजवानी। जाइए, जानते हैं वो क्या कुछ सोचते हैं यूएस इंटरनेशनल के इस खास कार्यक्रम के बारे में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जिस प्रकार से यूएस इंटरनेशनल कार्यक्रम कर रहा है, आत्मा एनुअल मीट है, क्या कुछ कहेंगे आप? सबसे पहले तो धन्यवाद आप लोगों का भी जो पूरा कवर कर रहे हैं इस इम्पॉर्टेंट इवेंट को। मैं इम्पॉर्टेंट इसलिए भी कहना चाहता हूँ बिकॉज जो यूएएस इंटरनेशनल है और जो इसके एमडी हैं शशांक तनेजा, तो ये एनुअल अचीवर्स अवार्ड है, 8th अचीवर अवार्ड है, बट मैं उनको पिछले अप्रॉक्सीमेटली 14 ईयर्स से जानता हूँ। क्या बात। और जिस तरीके से जुझारू तरीके से वो इस ऑर्गेनाइजेशन को जिस लेवल पर लेके आए हैं वो बहुत ही सराहनीय है। और एक जो जज्बा उन्होंने दिखाया है, और मैं उनको ये भी कहता हूँ कि आपकी टीम मेंबर्स नहीं बोलता हूँ मैं उनको एक यूएस आर्मी की तरह बोलता हूँ कि ये आर्मी है। और जिस तरीके की जो इंटर्नशिप्स यूएस कराता है स्टूडेंट्स के साथ, पूरा प्रॉपर तरीके से जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो इंटर्नशिप है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी स्टूडेंट के लिए। तो उस इंटर्नशिप को अगर आप बहुत अच्छे तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन करा रही है उसकी जो वैल्यू है वो कॉर्पोरेट में बहुत स्ट्रांग बन जाती है। और वो जहाँ तक है यूएस में मैंने देखा है, काफ़ी बार स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट जो स्टूडेंट्स का होता है वो वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए मैं बोलूँगा यूएस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड एंड दे आर रियली डूइंग ग्रेट फॉर दी स्टूडेंट्स इन दैट पर्टिकुलर डोमेन। खासतौर से एकेडमी इंडस्ट्री में आज गैप है जिसके बार बार ब्रिज को खत्म करने के लिए बात कही जाती है लेकिन हो नहीं पाता है। उसकी वजह जो है, और जो जिस अभी मैं जो यूएस के बारे में बोल रहा था कि एकेडमिक्स में और जो कॉर्पोरेट्स है वहाँ पर डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि कोई भी स्टूडेंट मिनिमम 1 ईयर या 2 ईयर या 4 ईयर या 5 ईयर प्रोग्राम्स करते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस उनसे टच बेस करती हैं ज़्यादातर फाइनल ईयर में जब प्लेसमेंट्स की बात आती है। बट वो जो गैप ब्रिज करने की बात आती है फिर उसमें ये होता है कि स्टूडेंट में वो नॉलेज नहीं है, ये चीज़ नहीं है, ये नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो गैप है वो फिल करने का जो टाइम होता है एक्चुअल टाइम वो होता है आपका लाइव प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप्स। वहाँ पर अगर ऑर्गेनाइजेशंस उस रोल को अच्छी तरह यूनिवर्सिटी के साथ मिल करके अगर उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर वर्क कर लें दोनों ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिवर्सिटी, जी तो मेरे ख्याल से ये सारी प्रॉब्लम्स 99% तक ख़त्म हो जाएंगी। और जहाँ तक है मैंने देखा, जैसे यूएस की मैं बात करूँ, इनका जो करिकुलम भी होता है पूरा ट्रेनिंग का बच्चों के साथ, तो वो पूरा वेल डिज़ाइंड है कि दे आर नॉट टेकिंग दी स्टूडेंट्स जस्ट फॉर इंटर्नशिप। उनका पूरा जो सिस्टम होता है, बच्चों को ये भी पता होता है कि आफ्टर दिस मच ऑफ वर्क व्हाट आई विल बी गेटिंग, आफ्टर दिस मच ऑफ वर्क व्हाट आई विल बी गेटिंग। तो जो ये अवार्ड सेरेमनी भी ये लोग करते हैं, तो मैं उसको अवार्ड नहीं बोल के रिवॉर्ड बोलता हूँ। रिवॉर्ड दिया जाता है किसी स्टूडेंट को, तो और सबसे बड़ी बात रिकग्निशन जिस तरीके से हम करते रहते हैं करते रहेंगे, तो रिकग्नाइज अगर करेंगे तो चीज़ों को कहीं ना कहीं हम दूसरी प्लेटफॉर्म पर ले आएंगे क्योंकि वो फ्रेशर है। फ्रेशर को एक वो गीली मिट्टी होती है जिसको हम ढालते हैं अपने खांचे के हिसाब से, तो ये बहुत इजीली हम ढाल सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ढाल सकती है उसमें। केवल और केवल जो मेरा मानना है उसमें आपका एक राइट एटीट्यूड होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट के अंदर। नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन दे देगी, टेक्निकल स्किल्स ऑर्गेनाइजेशन दे देगी, यूनिवर्सिटी अपने रोल प्ले करती है, ऑर्गेनाइजेशन अपना रोल प्ले करेगी, बट कहीं ना कहीं जो मैंने बताया कि ये बीच का जो टाइम गैप है वहाँ पर अगर ऑर्गेनाइजेशंस इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को भी स्ट्रांगली अप्लाई कर दें वहाँ पर हम शायद इस मूवमेंट पर सक्सेसफुल हैं। खासतौर से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो ऐसे में ऐसे यूएस इंटरनेशनल जैसे स्टेक होल्डर की कितनी महत्ता रह जाती है? सर, बहुत बहुत फ़र्क पड़ेगा क्योंकि देखिए जैसे हम लोग कहते हैं ना कि इंडिया में जो कंसेप्ट होता है कि पहले होता था कि मुझे केवल बीटेक करना है, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो होड़ लगी रहती थी बीटेक की या आपके नॉर्मल मेडिकल की या इसकी। अब जैसे कि मान लीजिए मेरा ही अगर बच्चा हो और उसका इंटरेस्ट मैथ्स में नहीं है, जब और वो मैथ्स में इंटरेस्ट होने के ना साथ साथ भी वो सिमिलर काइंड ऑफ अगर कोर्स करना चाहता है, तो वो लिबर्टी अब बच्चों को मिल रही है।
अगर एग्जांपल के तौर पे मुझे कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे नहीं पसंद है बट वो मुझे पढ़ना पड़ता था, बट जिस तरीके की पॉलिसी अब आ रही है कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जहाँ पर आप जॉयफुल फील करो, वो आपको पढ़ना है, तो वो कंसेप्ट जो है उसको लेते हुए साथ के साथ आपका मल्टी डायमेंशनल जो अप्रोच है यूएस की, अगर वो किसी स्टूडेंट को हॉस्पिटैलिटी में ले रहे हैं या आपका व्हाट आई से कि जो इंटरनेशनल डोमेन में जो आपका होता है, तो उसके साथ साथ वो फाइनेंशियल नॉलेज भी दे रहे हैं, मार्केटिंग नॉलेज भी दे रहे हैं, एचआर की नॉलेज भी दे रहे हैं, सो इट्स अ होलिस्टिक डेवलपमेंट। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी हाँ दोस्तों, तो ये थे विनोद देसवानी जी, जिस प्रकार से यूएस इंटरनेशनल होलिस्टिक है ऐसे थे अप्रोच के साथ आपको ट्रेन देता है, युवाओं को ट्रेन देता है, और यही कारण है कि आज वो काफ़ी सफल है। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मार्ग।